सोचते हैं, बहुत जबरदस्त सोचते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जब हम बिजनेस शुरुआत करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस आते हैं। रियल में ऑब्जेक्शन होने भी चाहिए। जो लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेरीज करते हैं, तो बिना अपने क्वेश्चन क्लियर किए, क्वेरी किए, क्लियर किए, वो भी इसको क्यों ज्वाइन करें, है ना। तो रियल में ऑब्जेक्शन होते हैं, कुछ लोग अवॉइड करना चाहते हैं, फेक ऑब्जेक्शन करते हैं, और जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनको बड़े पेशेंस के साथ हमको उन्हें सुनना चाहिए, उनके क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। तो इसके लिए हमें एक ट्रेंड होने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, ट्रेनिंग्स की जरूरत है। जब तक हम अपने एक सीनियर अप्लाइंस से, ग्रुप से, प्रोग्राम से अगर सीखेंगे नहीं, तो हम ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और अगर हम नए हैं बिजनेस में, तो हमें जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराना है, तो उनको ज्वाइन कराने के लिए हमें अपने मेंटर के साथ, अपने अप्लाइंस के साथ उनको ऑब्जेक्शन हैंडल कराना है। अगर हम उनसे सीखने के बाद जब ट्रेन हो जाते हैं, तब हम ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें रिजल्ट्स आएंगे ना। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के साथ हमें ध्यान रखना है कि अपने प्रोस्पेक्ट की फीलिंग्स को हर्ट नहीं होने देना है, उनके साथ बहस नहीं करना है किसी भी तरीके से, कि हम बहस करके जीत तो जाएंगे, लेकिन अपन हो सकता है कि हम अपना प्रोस्पेक्ट खो दें। तो ये छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे तरीके से हमें ध्यान रखना है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वास्तव में बोलते जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, और वो सही भी होते हैं, है ना। इसी का क्वेश्चन होता है, मैं किसी का कहते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा, प्लान देख लिया, सबको समझ लिया, कहता मैं सोच कर बताऊं, कोई कहता मेरे पास पैसे नहीं, कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, है ना, कोई कहता है क्या मैं सफल हो पाऊंगा। इस तरीके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, उनको ध्यानपूर्वक सुनना है, और क्वेश्चन का आंसर ज्यादा देने के चक्कर में न पड़े, हमें उनके क्वेश्चन के ही हिसाब से उनको आंसर करना है, बड़े ध्यानपूर्वक, कि हमें ध्यान रखना है कि वो किसी भी तरीके से हर्ट नहीं होना चाहिए, है ना, और कोई ऐसा कि कोई गलती नहीं हुआ है। इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से, तो वो इसके लिए एक फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं, फील फेल्ट फाउंड, है ना। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई, जिस प्रोस्पेक्ट कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं, उनसे कहिए होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, और समय नहीं है उसकी बात अपनी जगह पर सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस प्लान को देखा था, मीटिंग को देखा था, तो मुझे भी लगा कि भाई मेरे पास समय तो नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन इसको समझने के बाद, देखने के बाद मुझे लगा कि इसे मुझे क्यों करना है, अपना मैंने वाई ढूंढा, तो वाई भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या जो भी मेरा ड्रीम है उसको पूरा करना, तो उसके लिए समय मुझे ही मैनेज करना पड़े। तो इस तरीके से मैं उसको ऐसे बता सकते हैं कि भाई मैंने फील किया, देखा, फिर मैं महसूस किया कि नहीं, मुझे करना है और सक्सेस होना है, तो मैं अपने समय को मैं मैनेज करूंगा, है ना। कोई व्यक्ति कहता है, कोई प्रोस्पेक्ट कह सकता है कि भाई आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। जब हम बिजनेस में आए थे हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब हमने ट्रेनिंग अटेंड की, प्रोडक्ट के बारे में बहुत जानकारी ली, और स्टडी करने के बाद, प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमें पाया कि नहीं, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, एसोल प्रोडक्ट हैं। इस तरीके से हमें उनके आंसर्स को बड़े शालीनता से देना है और उनको संतुष्ट करना है। बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें, उनको ध्यान रखते हुए हमें प्रोस्पेक्ट को हैंडल करना है। और इसके बाद अब जब क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है ना, कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे भी हैं नोट कर लीजिए भाई, हाँ चलिए और क्या है, और क्या है, ठीक है। अगर इस सारे क्वेश्चन का आपका हल हो जाए, तो फिर कोई और ऐसी बात है जो आपको इस बिजनेस में आने से रोक रही है, बोले नहीं तो हम बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, बिजनेस करेंगे, तो ठीक है। इस तरीके से हमें उनको
बताना है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप सोच के देखिए, मुझसे पूछिए कि अगर आप इस बिजनेस में नहीं आते हैं तो अगले 5 साल में आप करने बाद क्या गेन होगा, है ना, और इससे अगले 5 साल में क्या हो सकता है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं तब अगले 5 साल में आपके साथ क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा उनको एक पिक्चर दिखानी है ना, उनको एहसास कराना है कि रियलिटी क्या है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रोस्पेक्टिव हैंडल करके उनको ज्वाइन कराते हैं, और ज्वाइन कराने के बाद एक प्रॉपरली गेटिंग स्टार्ट किस तरीके से करना है कि उनको प्रोडक्ट दिलवाने हम। अब जैसे हमारी प्रोस्पेक्ट की सिचुएशन है कि वो 100 PV के प्रोडक्ट परचेस करने की क्षमता है उसकी, 200 PV की करने की क्षमता है, या 50 PV, उस उनके अकॉर्डिंग उनको पर्सनल केयर, होम केयर, न्यूट्रिशन के सब हर रेंज के कुछ कुछ प्रोडक्ट दिलवा देने, और प्रोडक्ट यूज करना कराने के लिए उन्हें थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट यूज करने का तरीका सारा बताना है, कि ट्रेनिंग से कनेक्ट करना है। देन प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ हमें बेसिक 4 स्टेप्स उनको सिखाने हैं, उनको लिस्ट बिल्डिंग कराना है, वाई को क्लियर कराना है कि हम इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, हम इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, इन सारी चीजों को उनको बताते हुए और बेसिक 4 स्टेप को सिखाना है कि भाई हमें प्लान दिखाना भी सीखना है, लोगों से कॉन्टेक्ट इन्वाइट करना सीखना है, ये कराने के बाद क्वेश्चन हैंडलिंग धीरे धीरे जब मीटिंग्स आना शुरू होंगे, है ना, तो वो अपलाइन के साथ में क्वेश्चन हैंडलिंग भी सीखेंगे, है ना, सब कुछ सीखते सीखते आगे फिर उनको प्लान दिखाना, है ना, बुक पढ़ना, सीडी सुनना, और ये सब सीखते हुए उन्हें सिखाना है कि भाई हमें अकाउंटेबल भी रहना है, अपने बिजनेस के प्रति अकाउंटेबल रहना है, अपने प्रोस्पेक्ट पे कस्टमर के प्रति अकाउंटेबल रहना है, और जिम्मेदारी के साथ बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना है। तो छोटी छोटी बातों को हमारी जो सिस्टम है उसको उनको सिखाना है पूरी तरह से। जब सिस्टम सीखेंगे तो बहुत जल्दी से कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे और कामयाब होते चले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच हरीश सर, आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया है, एंड कहा भी जाता है वेल विद इन इज हाफ डन, तो अगर किसी के ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर लिया जाए और उसको सही से बिजनेस में स्टार्ट करा दिया जाए, सो वो बंदा ऑब्वियसली एक अच्छे बिजनेस को बिल्ड करेगा। सो थैंक यू सो मच, हम लोग कैसे इस काम को कर सकते हैं आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अजय, एंड इनका टॉपिक आज का है टाइम मैनेजमेंट एंड कैलेंडर मैनेजमेंट। सो अजय सर आप अवेलेबल हैं? यस यस इन रूपा जी, प्लीज ओवर टू यू सर। चलिए थैंक यू रूपा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स और कांग्रेचुलेशन इतने जबरदस्त पोस्टिंग के लिए, और इतने खूबसूरत से प्रोजेक्ट के बारे में इतने अच्छे अच्छे लोगों को इतने अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि विल बिगिन इज हाउ टेन, जैसा आपने कहा। और मेरा नाम अजय श्रीवास्तव है, मैं यूपी गवर्नमेंट के वेटरनरी डिपार्टमेंट का एज ए लाइफ स्टाफ एक्सटेंशन ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ, और जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में खूबसूरत से बिजनेस को भी बिल्ड कर रहा हूँ। मेरे अपलाइन मिस्टर राजेश गुप्ता जी और हमारे मेंटर एस के उपाध्याय जी, और इस जॉइंट कंबाइंड इस मीटिंग में हम सभी लोग मिस्टर आशीष जी से सब लोग मिल करके सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो थैंक्स सारी अपलाइन का कि उन्होंने इतने अच्छे से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज और सेटअप कर रखा है, कि अगर ईमानदारी से हम लोग इस मीटिंग को अटेंड करते रहेंगे, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि डायरी पर इंसाफ रखेंगे, निश्चित तौर पर सब लोगों ने रखा होगा, और अगर बाद में कुछ लोग भूल गए होंगे तो अगली बार से डायरी पेन लेकर के बैठेंगे, और मीटिंग का जो भी पॉइंट उनको अच्छा लगेगा उसे नोट करते रहेंगे, तो आगे आने वाले समय में उनको अपनी टीम को बिल्ड करने में काफी हेल्प मिलेगी। जहाँ तक मुझे अपने टॉपिक की बात करनी चाहिए, तो सबसे पहले मुझे जिम्मेदारी दी गई है कैलेंडर मैनेजमेंट की। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, अक्सर हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लोगों को अच्छे इशारे करते रहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन उसके बाद हम खुद भूल जाते हैं कि हमने कभी किसी से बात की थी। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, इसलिए उस चीज को मैं दोहराना चाहूंगा, 2-4 दिन के बाद याद आता है कि
कि मैंने फला आदमी से भी इस बारे में बात की थी, या मैं रास्ते में वो आदमी मिला था, वो मुझे लग रहा था कि वो अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर है, हमने उसका नंबर भी ले लिया था, लेकिन उसको हमने उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सब लोग अपना कैलेंडर मेंटेन करें। कैलेंडर मेंटेन से जैसे ही हमारी किसी से कोई बात होती है, शाम को आकर के घर पर हम एक अपना कैलेंडर मेंटेन कर सकें। अगर आप घर पर व्यवस्था बना सकते हैं तो बुकलेट वगैरह होती है, वरना इस टाइप की छोटी सी बुकलेट रख सकते हैं, इसके पेज पलट सकते हैं इस तरीके से, वन बाय वन डे बाई डे आप इसमें नोट करके डाल सकते हैं किस तारीख को मुझे किससे मिलना है, या आज हमारी किससे बात हुई है, आज हमारा कौन सा नई लिस्ट बिल्डिंग के लिए कौन सा बंदा मुझे टकराया है, तब मुझे इसे कॉल करनी है। तो आप पूरा अपना कैलेंडर मेंटेन रखेंगे तो पूरा महीना आपका फुलअप बना रहेगा। अक्सर हम सब लोग कभी जमूर बना कर बैठते हैं, चलो आज बैठ के कुछ काम किया जाए, तो हमारे पास तो रॉ मटेरियल नहीं होता है, और रॉ मटेरियल इतना होने की वजह से यही है कि हमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है। आप हार्ड कॉपी में भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, आप अगर ज्यादा स्मार्ट हैं तो अपने मोबाइल वाले कैलेंडर पे भी सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। एक मैं कभी कोई एक सीडी भी सुन रहा था, उसमें भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपनी अपलाइन से मिलने के लिए जाता है, काउंसलिंग सब जैसे हम लोग काम करते हैं, तो जो काउंसलिंग करने के लिए लोग पहुंचे तो उनके अपलाइन डायमंड ने उनसे कहा कि तुम्हारा वो डायरी कहाँ है, कैलेंडर कहाँ है, सॉरी मैं कैलेंडर को मैं लाया नहीं हूँ। उन्होंने कहा सॉरी आप वापस जा सकते हैं, जब आपके पास अपना कैलेंडर ही नहीं है तो हम आपसे एक साथ क्या काउंसलिंग कर सकते हैं, आप पिछले महीने आपने क्या वर्किंग करी, किसके साथ क्या काम किया, पूरे महीने का क्या काम किया है, तो आपके साथ काउंसलिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसी के से मुझे याद आ रहा है कि सबसे बेसिक चीज हमारे पास हमारा कैलेंडर है। अगर कैलेंडर हम मेंटेन करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ समय बाद मुझे अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिखने वाली है। दूसरा, कम समय में अपनी बात को समाप्त करना है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लीडर होते हैं, और कभी कभी हम लोगों के ज्यादा समय ले लेने से बहुत अच्छे टॉक जो हम लोग सुनना चाह रहे होते हैं उन लीडर्स को अपनी बातें स्टार्ट में करनी पड़ती हैं। दूसरा टाइम मैनेजमेंट है, इसके बारे में सिर्फ यही कहूंगा मैं, अगर आप बिजनेस में आ गए हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं दुनिया में जो कभी खाली हो। आप सिटी को भी दिन भर देखते हैं तो वो चलती रहती है, अगर किसी लोटे या गिलास के बॉर्डर पर किनारे पर रख दिया जाए तो वो दिन भर उसी कोने पर घूमती रहेगी, काम दिन भर करते लेकिन रिजल्ट उसका कुछ नहीं होता। हमको आपको भी मैनेज करना होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोगों को ऊपर वाले को देनी चाहिए, भगवान जिसने हमें तय किया है, इस लाइफ बनाया है, सोचने समझने की क्षमता दी है, और हम सब लोग एक बढ़िया निर्णय लेकर के एक अच्छे मुकाम पे अच्छे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, दूसरी प्रायोरिटी हमें अपनी फैमिली को देनी चाहिए, जो जीवन में करते भी हैं। अगर फैमिली में कहीं कोई चैलेंज होता है या कोई बीमार है कोई, तो हम अपने जॉब पे भी अपने काम पे भी अपने बिजनेस के लिए भी नहीं निकल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले अपनी नंबर दो पे अपनी फैमिली और पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, उसके बाद नंबर तीन पे हमारा आता है करंट प्रोफेशन। अगर हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप उसके साथ पूरी ईमानदारी से काम करें, उसके लिए कहीं कोई रुकावट है, इसके लिए मैं कहीं किसी को डिस्टर्ब करने की सलाह नहीं दूंगा। तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी करते हैं आप उसके बाद करिए। इसके बाद तीसरी चीज आती है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी, इतना सारा काम धाम करने के बाद भी यदि आप ईमानदारी से ढूंढेंगे अपनी जिंदगी में या 24 घंटे के अंदर ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पर 2 से 4 घंटे आप निकाल लेंगे, नहीं 4 घंटे निकाल पाएंगे तो 2 घंटे निकाल लेंगे, 2 घंटे भी नहीं निकले तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि घंटा 1.5 घंटा तो आपके पास ऐसा रहता ही जिसको आप कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हैं, ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहां पर आपको कोई रिटर्न आपके पास आने वाला नहीं है। तो उसको हमें समझना है कि हम कहाँ पर लगा रहे हैं। हो सकता है आप समाज में खड़े हो वो समय देते हो, 4 लोगों साथ बैठ करके बातचीत में एक दूसरे के बारे में चर्चा करके समय निकाल देते हो सकता है आप बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति हो तो राजनीति पे भी चर्चा कर सकते हैं, क्रिकेट गेम पे चर्चा कर सकते हैं, हो सकता है आपको शौक हो किचन में जाकर के कुछ आप हेल्प भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे टीवी के साथ अच्छे अच्छे सीरियल का आनंद लेते रहते हैं। आजकल तो जो नया मीडिया हम लोगों के सामने आ चुका है, व्हाट्सएप हो गया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जब भी आप कभी मोबाइल को अगर टच कर लेते हैं तो आपका 1/2 घंटा वो ले जाता है, किसी भी टॉपिक किसी भी ऐप को आप अगर टच कर लेते हैं आपको 1/2 घंटा जाना ही जाना है ना। इन सारी चीजों को हमें खुद सोचना है, इन जगह पर हम घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे समय जो हमारा कीमती है उसको हम
वहां पर लगाएं, या फिर हम अपनी लाइफ के साथ साथ अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम करें जो एक ऐतिहासिक निर्णय साबित हो सकता है, जिसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी पिछली प्रेस मीटिंग में मैं सुन रहा था, याद आ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी थी जिसको मैंने नोट किया था और उसके बाद मैंने कई लोगों से उस पर चर्चा भी की कि आप अपने दिन के घंटों को दो दो घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर लें और दो घंटे के स्लॉट को आप खुद स्वयं एनालाइज करें कि दो घंटे में मेरे पास क्या 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट का समय रहता है। अगर नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दो दो घंटे में आपने अपने वर्किंग आवर्स को डिवाइड करके आप खुद एनालाइज करेंगे तो दिन में निश्चित तौर पर 10-5 मिनट के स्लॉट आपके पास निकल आएंगे जो आपके मिस यूज हो रहे थे, जिनका आप यूज नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो, या हो सकता है लंच में गए हो, या रास्ते में आ जा रहे हो, कहीं ना कहीं 10-5 मिनट के छोटे छोटे से स्लॉट आपके पास निकल आएंगे। उन स्लॉट्स को आप बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा सजेशन लगा था लीडर्स का, मैं उनको थैंक्स करना चाहूंगा और उनके लिए मैं जबरदस्त तालियां भी बजा रहा हूँ और सर और अपने लीडर्स के लिए जिन्होंने ऐसे लीडर्स को ऐसे ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करके दिया हुआ है। और तीसरा टॉपिक जिसके बारे में काफी कुछ बहन बोर्नाली जी ने कवर कर लिया वो है ईगल ब्रेक करने के बारे में। तो उन्होंने बताया आपको कि जिस तरीके से हमें हमारे बिजनेस के पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर हमें कमीशन मिलता है, उन्होंने कोर ब्रांड के बारे में भी काफी कुछ बता दिया है जिसके बारे में बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। किसी भी एक बात को बार बार करना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। फिर भी जो ईगल स्ट्रक्चर कहा जाता है इसके बारे में जो मुझे जानकारी है, जो मैंने समझाया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके अपने पर्सनल पीवी फर्स्ट वीक में हो जाना बहुत जरूरी है, जो मिनिमम 100 से स्टार्ट है और आप अपने आप को बढ़ा करके 200-300 पीवी तक ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ आपका डेली सीपीटी सुनना बहुत जरूरी है, डेली वो पढ़ना आपको चाहिए, सारे मीटिंग फंक्शंस को आपको अटेंड करना चाहिए। इसके बाद जो ईगल स्ट्रक्चर की बात हो रही है उसके लिए आपके पास कम से कम 6 लेग्स का होना जरूरी है और 6 लेग में भी सारे लोग यही काम कर रहे हैं, ऐसी लेग होना जरूरी है। और उस 6 लेग जो होंगी आपके पास वो सारी 6 लेग आपके सारे फंक्शंस मीटिंग्स में अटेंड कर रही हूँ। जैसे आज की मीटिंग हो रही है तो आपको खुद जज करना चाहिए कि हमारी 6 लेग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले आप 6 लेग अपनी बना लीजिए और जैसे ही 6 लेग बन जाए तो सारे 6 लेग के सारे लोग मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो 6 लेग में भी कुछ लोग और बीच में भी होंगे, तो कुल मिला करके 10 से 15 लोग 15 से 20 लोग आपके आपकी मीटिंग में होना चाहिए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ईगल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने वाले हैं। दूसरी चीज होना चाहिए कि जो 6 लेग आपकी हो गई है उनमें से कम 4 लेग ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉफिटेबल लेग्स। प्रॉफिटेबल लेग्स मतलब उनके पास हर मंथ हर महीने कुछ ना कुछ चेक आ रहा हो, उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जा रहा हो। और जो 4 लेग हैं उन 4 लेग के अकाउंट में भी जो लोग हों उनमें भी कम से कम 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो डेली किताब पढ़ते हों, डेली सीडी सुनते हों और सारे फंक्शंस को अटेंड करते हों। इस तरह साथियों ये ईगल स्ट्रक्चर बनकर के आपका तैयार होता है। अगर यही स्ट्रक्चर आपके लेग में जो आपने 6 लेग बनाई हुई है उनमें से अगर 2 लोग लेग इस टाइप की चल रही है तो आप डबल ईगल बन जाते हैं, अगर 3 लेग इसी टाइप की है तो आप अल्टीमेट ईगल बन जाते हैं। अगर ये चीज आपने मेंटेन कर लिया है तो निश्चित तौर पर आप इमराल्ड स्ट्रक्चर आपका बनकर के तैयार हो गया है और इमराल्ड बनने के बाद कभी आप बैक नहीं होंगे और बैक होने के बाद लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे और डायमंड स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। थैंक यू, बैक टू निरूपा जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आप लोगों से इतना सीखने को मिल रहा है यार। सो मतलब क्या बोला जाए। सो आज जैसे आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज की डेट में अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करें ना प्रॉपरली वाइजली यूज नहीं करें तो सही कहा आपने कि फोन उठाने का आधा घंटा कहाँ जाता है पता नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें उसमें चलती रहती है। एंड आज की डेट में दिक्कत क्या है ना सर, काम भी आधा से ज्यादा फोन पे ही होता है। हम लोग की यंग जनरेशन की लाइफ आजकल फोन के साथ कुछ ऐसी है। सो टाइम मैनेजमेंट हम लोग के लिए स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट कि कैसे उसको यूज करें। एंड अगेन मैं बोनाली जी के टॉपिक पर मैंने यही बोला था कि अगर हम प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर को सही तरीके से बिल्ड करते हैं तो इस बिजनेस में सक्सेस बहुत ईजी है। सो थैंक यू सो मच अजय सर फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल टॉपिक विद अस।